नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। मेरा नाम मनोज कोले। दोस्तों, आज का वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। देखिए दोस्तों, ये जो डिवाइस है डिजिटल पैनल शॉट रिमूवर, आपको पैनल में कोई शॉट है वो रिमूव कर सकता है, मेन पीसीबी में कोई शॉट है वो रिमूव कर सकता है, स्केलर में कोई शॉट है वो रिमूव कर सकता है, विजुअल डिजिट कोई शॉट है वो भी रिमूव कर सकता है। कोई भी डिवाइस में, ये 10 एम्पियर का डिवाइस है, इसमें कोई पावर सप्लाई SMPS यूज नहीं किया है, इसमें ट्रांसफार्मर है व्हाइट कोर 7 इंच, बहुत ही बढ़िया ट्रांसफार्मर है। ये मशीन का वेट है 15 kg, 15। सोचिए, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट लाइफ टाइम अचीवमेंट। ये आपको यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। वो जानकारी मैं आपको डिटेल्स दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कैसे आप मशीन यूज करेंगे। लेकिन मशीन ऑपरेट कैसे करेंगे वो सबसे पहले होना चाहिए। इसमें बहुत कुछ स्विच लगा हुआ है, सामने भी है पीछे भी है, वो सब मैं आपको डिटेल्स दिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा। दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट अपडेट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, मेरा जो बिग अनाउंसमेंट है, नवंबर मंथ का 21, 22, 23, 24 ओनली फॉर पैनल। उसी प्रोग्राम में आप अटेंड करना चाहता है तो हमारा जो नंबर है इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करिए। और दिसंबर मंथ का 5, 6, 7, 8 उसी प्रोग्राम में आप अटेंड करना चाहता है तो जो नंबर है स्क्रीन पर देखिए, इस नंबर में आप कॉन्टेक्ट करिए। और मशीन आप परचेस करना चाहता है उसी नंबर में आप कॉन्टेक्ट करिए, आपको डिटेल्स इंफॉर्मेशन मिलेंगे। फर्स्ट लॉट में 5000 मशीन मार्केट में आएंगे। बहुत सारी आदमी फोन किया है, पहले बुक करके रखा है, बुक किया है ऑलरेडी, बहुत सारी आदमी बुक किया है, वो एक एक करके मैं डिलीवर करूंगा। आज मैं एक मशीन खुद डिजाइन किया है, कैबिनेट फेवरेट सॉल्व लगा के सेटअप किया है, आपको मैं ये मशीन कैसे ऑपरेट करेंगे वो दिखाऊंगा। पार्ट पार्ट करके मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आप कैसे इसको यूज करके आपका सेट आप रेडी हो जाएगा। दोस्तों, आप एक टेक्नीशियन हो, कोई भी टेक्नीशियन, मान लीजिए टीवी है वो, फ्रिज भी हो सकता है, इन्वर्टर भी हो सकता है, शॉर्ट सर्किट फाइंडिंग करने के लिए आपको ये मशीन बहुत हेल्प करेगा। इस मशीन में देखिए, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट लाइफ टाइम अचीवमेंट, इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ फीचर्स है, वो मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। दोस्तों, हमारा जो मुंबई में जो प्रोग्राम होगा, जनवरी मंथ में मुंबई का प्रोग्राम होगा, और बांग्लादेश में जो प्रोग्राम है, बांग्लादेश में दिसंबर मंथ में प्रोग्राम होगा। बांग्लादेश का नंबर है, इस नंबर को कॉन्टेक्ट करें। तो चलिए दोस्तों, ये मशीन आप कैसे ऑपरेट करेंगे वो मैं आपको आज दिखाऊंगा, पूरा देखिए इसका अंदर क्या क्या है। दोस्तों देखिए, हमारा जो डिवाइस है डिजिटल पैनल शॉट रिमूवर, इसका जो फिनिशिंग है देखिए बहुत ही बढ़िया है, और इसका इसमें हैंडल है, आप देखिए इधर, ये दोनों साइड में, आप दोनों साइड में हैंडल है, ये इसको यूज करके आप ऐसा करके इसको यूज कर सकता है। तो इसका वेट बहुत बढ़िया है, ये 15 kg, मान लीजिए 15 किलो, ये बहुत बढ़िया वेट है। तो इसको आप यूज कैसे करेंगे और इसका फीचर्स क्या है, अब देखिए, बहुत सारी स्विच नॉब लगा हुआ है, तो आप कैसे इसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये दोनों जगह में यूज होगा, नहीं दोनों नहीं, आप 5 जगह में यूज कर सकता है। देखिए, सबसे पहले मैं इसको स्विच पावर प्लग जो है, वीडियो एंड तक देख रही है दोस्तों, लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज आपको इसमें दिखाऊंगा, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इस मशीन के अंदर है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और स्विच ऑन किया है, प्लग लगा दिया, पीछे प्लग लगा दिया, पावर ऑफ है, ये हमारा मेन स्विच है, इसको ऑन करिए, देखिए ऑन किया है, ये हमारा पावर इंडिकेटर है 243, ये हमारा पर्सनल बिल्डिंग का ट्रांसफार्मर है, इसीलिए वोल्टेज ज्यादा हो रहा है, ठीक है। और ये हमारा LCD डिस्प्ले है, वोल्टेज और एम्पियर। और देखिए, इसमें वोल्टेज और करंट एम्पियर दोनों को आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले देखिए, यहाँ पर टर्मिनल है 1, 2, 3, ये एम्पियर है, ये नेगेटिव पॉजिटिव है, ठीक है।
तो ये जो पॉइंट है इसका बाद यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। पहले मान लीजिए ये पावर ऑन किया है, उसके बाद आप यहाँ पर देखो आप क्या करना चाहता है, पैनल में काम करना चाहता है ना आपको मेन पीसीबी तिगन में कोई शॉर्ट रिमूव कर सकते, पैनल का शॉर्ट रिमूव करना चाहता है ना पीसीबी का शॉर्ट रिमूव करना चाहता है, उसी हिसाब से ये स्विच आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। यहां से देखिए 0 to 30 volt डीसी और यहां से देखिए 12 volt to 100 volt, ठीक है। इसको पैनल में ऑपरेट करूंगा तो हमको ऐसा करना पड़ेगा पैनल में, और टिगरिंग पैनल में क्या है आपको टिगर करना पड़ेगा, जो वोल्टेज यस आउटपुट होगा जाएंगे वो पल्स है, पल्स जनरेट करके जाएंगे। यहाँ पर टिगर ऑन है, इसको ऑन करिए, देखिए टिगर ऑन है, टिगर ऑन हो जाएगा, उसका कंट्रोल भी कर सकता है, देखिए टिगर भी कंट्रोल कर सकता है। टिगर का वोल्टेज स्क्रीन में रीड नहीं होगा क्यों, वो पल्स जनरेटर है, उसमें आपको रीड नहीं होगा ये ट्रिगर का, ठीक है। तो ये हमको यहाँ से जो डिवाइस केबल आउटपुट होगा मान लीजिए इसमें आप ऐसा ये 10 एम्पियर है इसमें यूज करके ये जो है मीटर पॉप ये आप पैनल का शॉर्ट रिमूव कर सकते हैं, लेकिन कौन सा शॉर्ट है कैसे रिमूव करेंगे वो पूरा प्रैक्टिकली वीडियो आपको देखना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए तब भी आप कर ये काम कर पाएंगे, ठीक है। ये गया पैनल का पार्ट, इसको ऑफ कर दीजिए, टिगरिंग ऑफ हो जाएगा। और कौन सा वोल्टेज है देखिए यहाँ पर 12, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 100 ये आप रोटर कर सकता है, ठीक है। वो वोल्टेज यस आउटपुट होगा लेकिन वोल्टेज नहीं, वो पल्स जनरेट करके आएंगे यहाँ पर ये टिगर ऑन होने के बाद, टिगर ऑन करेंगे तब भी यहाँ पर टिगरिंग हम मिलेंगे नहीं तो नहीं मिलेंगे। ये गया पैनल का पार्ट है, ठीक है। टिगर ऑफ कर दीजिए, ऑफ हो जाएगा। उसका बाद देखिए ये जो हमारा 0 to 30 volt डीसी वो वेरिएबल है, इसमें वोल्टेज को हम कंट्रोल कर सकते हैं, एम्पियर को हम कंट्रोल कर सकते हैं, दोनों को कंट्रोल कर सकता है वोल्टेज और एम्पियर, ठीक है। तो देखिए ये सेंटर में ऑफ है, इधर करिए ऑन होगा, देखिए 22 volt, 26 volt है, पूरा सब ज्यादा कर दिया इसलिए ऐसा हुआ। तो इसको मैं आपको एक बल्ब ऑन करके तो दिखाऊंगा, आप देखते रहिए। एक बल्ब ऑन करके आपको दिखाऊंगा, देखिए ये 24 वोल्ट का 24 वोल्ट का एक बल्ब है, देखिए इसमें लगाओ, इसमें लगाओ, ठीक है। बल्ब जल रहे ना, अब देखा बल्ब जल रहे, तो इसको ये हमारा एम्पियर है, ये हमारा वोल्टेज है, ये हम पूरा कंट्रोल कर सकता है। अब देखिए ऑफ हो गया, जीरो से आप पूरा वोल्टेज कंट्रोल कर सकता है, देखिए। और वोल्टेज और एम्पियर का डिफरेंस क्या है देखिए, ये वोल्टेज जो है हमारा भी, ये वोल्टेज जीरो हो गया, यहां से एम्पियर देखिए, एम्पियर बढ़ाइए वोल्टेज बल्ब ग्लो होगा, देखिए ये 10 एम्पियर आपको वैरी करेगा, 10 एम्पियर। सोचिए अब कोई मेन पीसीबी में कोई फॉल्ट होगा, मान लीजिए 2.2 वोल्ट लाइन कोई शॉर्टेज है, अब ढूंढ नहीं पा रहा है तो देखेंगे, ठीक है। और इसका साथ देखिए यहां पर जो एम्पियर है, एम्पियर आपको रीड देंगे स्क्रीन में, थोड़ा ये जो एलसीडी स्क्रीन है और मोबाइल में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन इसमें एम्पियर भी रीड देंगे और वोल्टेज भी रीड देंगे। ये जो डिस्प्ले है ये 4 बिट का डिस्प्ले है, ये 3 बिट का नहीं है। यहाँ पर देखिए कितना एम्पियर में ये ग्लो हो रहा है बल्ब, 608, क्योंकि इसको बढ़ाइए ज्यादा हो जाएगा, वोल्टेज बढ़ाइए देखिए 933 मिली एम्पियर में ये ग्लो हो रहा है 24 वोल्ट में। और एक बल्ब लगाइए देखिए, ये 24 वोल्ट और एक बल्ब लगाऊंगा, देखेंगे उसको एम्पियर ज्यादा हो जाएगा, देखिए देखिए ज्यादा हो गया ना, देखिए 1.8 1.796 हो गया, समझ आया। तो इसका क्या कैपेबिलिटी है आप एक बार देख लीजिए। और आपका मान लीजिए यहां से जो टर्मिनल आप आउटपुट करेंगे,
यहां से जो टर्मिनल आप आउटपुट करेंगे, यहां से ये जो पॉइंट है इसमें तो वोल्टेज है, लेकिन यहां पर आप देखिए 21, ये मान लीजिए 1.1 वोल्ट 2.2 वोल्ट, उसमें आप अप्लाई करेंगे तो इसको आपको वेरी करना पड़ेगा, वोल्टेज और एम्पियर दोनों को एडजस्ट करके यहां पर करना पड़ेगा, तब भी होगा, ठीक है, तब भी होगा। और देखिए जो मैं बोल जा रहा था वो थोड़ा सा मिसिंग हो गया, ये जो टर्मिनल है, एक टर्मिनल आपका जो मीटर है वो डिजिटल मीटर, आपका जो खोज मीटर है, देखिए इसको यहां से हटा दो, ये यहां पर मैं बल्ब लगा दूं, इस पॉइंट में मिलेंगे और इस पॉइंट में मिलेंगे, देखिए इसमें आप एम्पियर चेक करना चाहता है तो इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव, और बल्ब जस्ट पर ऑन करने के लिए आपको इसमें और इसमें नेगेटिव पॉजिटिव में आपको होना चाहिए, ठीक है। इसको थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, चलिए इसको देखिए, देखिए एक ग्लो कर दिया ना, इसको आप मीटर के साथ कनेक्ट कर सकता है, देखिए मैं आपको दिखाऊंगा, आप देख कर देखिए, ये हमारा मीटर है दोस्तों, आप देखिए इस वोल्टेज में दीजिए, ये हमारा मीटर है ना, आप देखा हमारा वर्क बेंच में, ये जो टर्मिनल हम यूज किया है दोस्तों, ये लाइन में खराब नहीं होगा, ये यहां पर भी लगा सकता है, और इसका पीछे भी एक होल है, ये होल में आप इसको यूज कर सकता है, देखिए मीटर 23 वोल्ट है ना, देखिए 23 वोल्ट है मीटर में, क्या वोल्टेज है 23, इसको हम वोल्टेज वेरी करेंगे, देखिए वेरी हो रहा है ना दोस्तों, एम्पियर वेरी करिए, देखिए धीरे धीरे वोल्टेज कम हो जाएगा, आपको जितना जो वोल्टेज जरूरत होगा उसी हिसाब से आप एडजस्ट करके लेंगे, ठीक है। देखिए 10.943 वोल्ट भी आप वेरी कर सकता है, ये जो वोल्टेज है यहाँ से ऐसा ही वोल्टेज मीटर में जो रेड दिल है आउटपुट हो रहा है, समझ में आया है दोस्तों, ये वोल्टेज के लिए और ये एम्पियर के लिए, अब एम्पियर लेना चाहता है तो इसको आप यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा, देखिए एम्पियर देंगे तो यहाँ से ग्लो होगा, देखिए बढ़ रहा है, ठीक है। और ये जो इंडिकेटर है ये पावर इंडिकेटर है, कितना वोल्ट होगा आपको दिखाएंगे, ये हमका रिसेट का फंक्शन काम करेगा, ठीक है। तो दोस्तों आप ये मशीन कैसे यूज करेंगे, कैसे ऑपरेट करेंगे, कहां पर इस्तेमाल करेंगे, ये नॉलेज आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। और देखिए इसका जो मैं बोला था आपको लास्ट में बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज दिखाऊंगा, इसको हटा दो, ये जो बल्ब है बल्ब मैं यहां से निकाल दिया, ठीक है। इसका पीछे देखिए, पीछे पीछे मैं क्या किया है, ये तो फ्रंट साइड में है, ए ब्यूटी लुकिंग गुड फिनिशिंग जो है, देखिए इसका देखिए पीछे क्या है, देखिए पीछे आया है, देखिए पीछे आया है, देखिए दोस्तों इतना बढ़िया डिवाइस है, इसका फ्यूज कहां है देखा है, आप तो सोचेंगे सर फ्यूज कहां है, ये जो हम इसमें जो सब एक्सेसरीज इसका अंदर जो उसमें इनबिल्ड किया है, एक बहुत ही कॉस्टली, आप वन टाइम इन्वेस्ट करेंगे ये लाइफ टाइम चलेगा, देखिए इसको मैं सबसे पहले इसको फ्यूज दिखाऊंगा, फ्यूज कहां पर है देखिए, देखिए क्या ओपन करेंगे, फ्यूज कहां पर है देखिए दोस्तों, ये हमारा फ्यूज है, वो यहां पर ऐसा लगा देंगे, ठीक है, ये हमारा साइलेंस एग्जॉस्ट है, देखिए इसको स्विच ऑन करिए, फैन चालू हो गया लेकिन वो साइलेंस है। और देखिए आप कोई टेक्नीशियन हो तो आपका पास बहुत सारे डिवाइस आता है काम करने के लिए, कहीं बाहर कंट्री का कोई सेट आएगा तो वो 110 होता है, 110 के लिए यहां पर मैं एक 110 वोल्टेज आउटपुट कर दिया, आप देखिए डिस्टर्बेंस हो रहा है, देखिए ए 110 बल्ब इसमें ग्लो हो रहा है, यहां पर आप 110 वोल्टेज यूज करके वो डिवाइस ऑन कर सकता है,
10 एम्पियर, इसमें भी 10 एम्पियर है, आप सोचो। और ये हमारा नाम भी है मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग बाय कोले टेलीविजन, ठीक है। दोस्तों मैं आपको वादा किया था जो लास्ट में मैं एक इंटरेस्टिंग इस मशीन के बारे में दिखाऊंगा। देखिए ये पूरा 10 एम्पियर है कि पूरा वोल्टेज और एम्पियर हम हाई कर दिया, ठीक है। और ये जो शोल्डर है ना आप देख रहे हैं, इसको देखिए कैसे ये मीटर पंप तो यहाँ पर लगा हुआ है, ये कैसे बर्न कर देंगे आप देखिए, देख पा रहे हैं, यहाँ से कट कर देंगे। देखिए ये 10 एम्पियर है, इसका कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, आप सोचा नहीं, आपको जो एम्पियर जरूरत होगा आप उस हिसाब से करेंगे। देखिए ये शोल्डर को काट कर दे रहा है, सोचिए एक सेकंड के लिए, देखिए इसका बहुत कैपेसिटी है, आप जो जरूरत होगा ऐसे आपको करना चाहिए, नहीं तो ये जहां पर आप इनपुट करेंगे ऐसा नहीं, आपको यूज करने का नॉलेज जानकारी होना चाहिए कहां पर कौन सा एम्पियर यूज करेंगे, नहीं तो आपको पीसीबी भी बर्न हो जाएगा, दूसरे कोई फॉल्ट क्रिएट हो जाएगा, आपको इस्तेमाल करने का तरीका आपको होना चाहिए। मैं आपको दिखाया इसका कैपेसिटी क्या है, देखिए ये आपको 1 वाट हाफ वाट रजिस्टर को एक सेकेंड के अंदर बर्न कर देंगे, देखिए 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 बर्न हो जा रहा है ना, देखिए ये पूरा बर्न कर देंगे, मैं देखा, इसलिए मैं आपको बताया था लास्ट में एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट दिखाऊंगा। ओके दोस्तों, ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों आपका वीडियो पसंद हुआ तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा प्रोग्राम अटेंड करना चाहता है तो हमारा जो नंबर है स्क्रीन पर उस नंबर में कॉन्टेक्ट करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।